أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الحمد لله بزم پاک کا اعلان بڑے ہی منظم طریقے سے تلاوت کلام اللہ سے ہو چکا ہے. اب میں بلا تاخیر اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور مداحان مصطفیٰ اور خطابت کی ایک لمبی فہرست ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ خطبہ اور شورا مدحان مصطفیٰ کا وقت ضائع نہ کروں. بلا تاخیر حمد باری تعالیٰ کے لیے محمد شاہ رخ رضا تحسینی بریلی شریف کو پیش کرتا ہوں, ان سے آپ چند اشعار حمد باری تعالیٰ کی سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بابا بلند درود پاک پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بلا تاخیر حمد باری تعالی کے اشعار پیش خدمت ہے, ملاحظہ فرمائیں. ایک بار اور اصول برکت کی آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر یا رب دے میرے درد کی دوا, یا رب دے میرے درد کی دوا, یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب. لاج رکھ لے لاج رکھ لے گناہ گاروں کی, لاج رکھ لے گناہ گاروں کی. نام رحمان ہے تیرا یا رب, نام رحمان ہے تیرا یا رب. اتنی پیاری دعا کرتے ہیں برادر اعلی حضرت, کہتے ہیں کہ عیب میرے نہ کھول مغشر, عیب میرے نہ کھول مغشر میں, عیب میرے نہ کھول مغشر میں. نام ستار ہے یا رب, نام ستار مل کے پڑھے, نام ستار ہے تیرا یا رب, نام ستار ہے تیرا.
हर भले की भलाई का सदका मुझने कम में को कर भला या रब। हर भले की भलाई का सदका मुझने कम में को कर भला या रब। और तूने मेरे जलील हाथों में दमने तूने जब से सुना दिया यारब। सब तेरा मती अला सभी तूने जब से सुना दिया यारब। आसरा बारगाह में सादे जमन दुआ करते हैं तो आप खाली अपने लिए नहीं करते, अपने घर वालों के लिए नहीं करते, बल्कि कैसी दुआ करते हैं? कहते हैं कि मेरे आगम पाप पर भी फजल रह गए, मेरे आगम पाप पर भी फजल रह गए, तेरा तेरे हबीब का या तेरा तेरे हबीब का यार। तू वसन को उठा वसन करके होम अल खैर खातिमा यार, होम अल खैर खातिमा यारब, हो मल है खातिमा यारब। दर्द दिल कर मुझे अता यारब। हुज्जतुल इस्लाम सलाम पेश करता हूँ, लिहाजा फरमाए के जी सुभान अल्लाह। मुहम्मद मुस्तफा नूरे खुदा शाने खुदा तुम हो, मुहम्मद मुस्तफा नूरे खुदा शाने खुदा तुम हो, शहे खैरुल बरा शाने खुदा सल्ले अला तुम हो, शहे खैरुल बरा शाने खुदा सल्ले अला तुम हो। खुदा कहते नहीं बनती जुदा, कहते नहीं बनती खुदा कहते नहीं बनती जुदा, कहते नहीं बनती खुदा पर इसे को छोड़ा जाने के क्या तुम हो, खुदा पर से को छोड़ा है वही जाने के क्या तुम हो। मैं सदके अंबिया के यूं तो
सब मम भूप गले अम्बिया के यूं तो सब मम भूप गले जो सब प्यारों से प्यारा जो सब प्यारों से प्यारा है वो महबूबे खुदा तुम हो। और कहीं या रसूल अल्लाह शहजादा अला हजरत का कलम सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि जो सब प्यारों से प्यारा है वो महबूबे खुदा तुम हो। तुम्हारे हुस्न रंगी की झलक है सब हसीनों तुम्हारे हुस्न रंगी की झलक है सब हसीनों में जो सब तुम्हारे हुस्न रंगी की झलक है सब हसीनों में बहारों की बहारों में बहारे जा फिजा तुम हो बहारों की बहारों फिजा तुम हो। अनहा में तो हामिद रजा मिन्नी के जलवों से मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन तो सरकार आला हजरत ने इसका कैसा इस्तेमाल किया है अपने शहजादे के लिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहते हैं अना मिन्हा में तो मिन्नी अना मिन्हा में तो मिन्नी रजा मिन्नी के जलवों से बेहम्दिल्ला रजा हामिद है और हामिद रजा तुम हो। बेहम्दिल्ला रजा हामिद है और हामिद रजा तुम हो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह मुर्शिदे करीम हुजूर ताजु सज्जा की बारगाह में ठाठे मारता हुआ मजमा और उर्से पाक में आए हुए जायरीन का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अदब एहतराम के साथ बैठे आप उलमाए किराम शोराए जाम की जियारत करते रहे हैं। आप रूबरू मुर्शिद हैं मुर्शिद पाक के तुर्बते पाक की जियारत करते रहे और अपने नामे आमाल में इजाफा करते रहे हैं। अदब एहतराम के साथ बैठे ये महफिल बारगाह हुजूर ताजु शरिया में बड़े ही मुनज्जम तरीके से सजाया सवारा गया है। हमारे और आपके कायद जानशीन ताज शरीयत आबरू अहले सुन्नत शहजादे ताज शरीयत قائد اہل سنت حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان صاحب قبلہ قادری قاضی القضاۃ فی الہند کی سرپرستی میں یہ پروگرام بڑے ہی نفیس انداز سے منایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن 10:35 پر جانے اعلی حضرت خلیفہ اول اعلی حضرت شہزادہ کبیر اعلی حضرت حجت الاسلام الشاہ حضرت علامہ مفتی حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا
कुल शरीफ होगा और कुल की बरकतें आप सब हम सब मुर्शिदे करीम हुजूर ताजुशैया के जरिए हासिल फरमाएंगे। अदब के साथ बैठे अपने इसी माहौल में एक ऐसे मद्दाह मुस्तफा शायर इस्लाम जिनकी नात न जाने कितने नात खां पढ़ पढ़ कर शायर बनते जा रहे हैं, यानी महबूबे बारगाहे हुजूर ताजुशरिया बुलबुले तहसीन मिल्लत अली जनाब नईम रजा तहसीनी को पेश करता हूं। आइए एक मरतबा जिक्र की नीयत से पूरा मजमा हमारा साथ दे और अपने हाथों को फिजाओं में बुलंद करते हुए नारा लगाए सारा मजमा नारा में तकबीर जरा और बुलंद आवाज से नारा रिसाला उर्से बस्ती बस्ती करिया करिया कौन बना मेहमाने काबा कायदे मिल्लत ताजुशरिया कौन बना मेहमाने काबा फैजाने हुजूर ताजुशरिया नारे तकबीर और रिसाला माइक पर बुलबुले तहसीने मिल्लत नईम रजा ताजुशरिया सामईन हजरात उलमाए अहले सुन्नत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुह। आइए हम रब्बुल सवाब के नामदार मदीन के ताजदार तुम आलम के वाली मुख्तार हम करीब बेगम मुसार हजरत मुस्तफा यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेगस पर हम दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले बाबा दे बुलंद पढ़ ले सल्लल्लाहु मैं दो शेर पेश करता हूँ समाज में कि न घबराओ ऐ न घबराओ ऐ सुनियों न घबराओ ऐ सुनियों बरेली की अजमत न घबराओ सुनियो बरेली की अजमत बरेली की अजमत कभी तुम न होगी चलो उर्से रज़वी में आकर बताओ चलो उर्से रज़वी में आकर बताओ बरेली की अजमत कभी कब न हो जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद बरेली की अजमत सब बोल दीजिए बरेली की अजमत कभी कम न होगी शेर सुनिए तवज्जो है सुनिए हजरत रजा और हामिद रजा तो बड़े हैं
उसी सब में मुफ्ती आजम खड़े हैं। अब आगे का जब मित्र सुनेंगे तो मचलेंगे इंशाल्लाह। बरेली की अजमत सुनो, रजा और हामिद रजा तो बड़े हैं, उसी सब में मुफ्ती आजम खड़े हैं। ताजे शरीयत हिला कर दिखा, तुम्हें ताजे शरीयत हिला कर दिखा। बरेली की अजीमत कभी कम न होगी, बरेली की अजीमत। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रजा और हामिद रजा तो बड़े हैं, उसी सब में मुफ्ती आजम खड़े हैं, उसी सब में मुफ्ती आजम खड़े हैं। अरे तुम्हें ताजे शरीयत हिला कर दिखा, बरेली की अजीमत कभी कम न होगी, बरेली की अजीमत कभी कम न होगी। सुनो कि जनाजे में सभी बोले ये हासिदी ने रजा से, सभी बोले ये हासिदी ने रजा से, हमें चाहे जितना भी तुम बलबला। बरेली की अजीमत कभी कम न होगी। अच्छा अच्छा शेर को मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इससे पहले ये शेर सुनिए। देखिए, आला हालत के बाद लोगों ने कहा कि बरेली में कुछ नहीं, फिर मुफ्ती आजम के बाद कहा कि बरेली में कुछ नहीं, ताजे शरीयत विशाल फरमाया कि बरेली में कुछ नहीं। लोगों की बोली बोल लोग इस तरीके की बोली बोलते रहते हमेशा। शेर सुनिए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। कभी कोई हासिद अगर पास आए कहे अब बरेली में रखा ही क्या है, कभी कोई हासिद अगर पास आए कहे अब बरेली में रखा ही क्या है, तो 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 कायद मिल्लत का नारा लगाओ। बरेली की अजीमत कभी कम न होगी। जो इससे पहले मैंने शेर पढ़ा था उसकी फरमाइश थी, मैं उसको पढ़ता हूँ, सुनिए। जनाजे में आए जो अख्तर रजा के सभी बोले ये हासिदी ने रजा से, हमें चाहे जितना भी तुम बलगला। बरेली जो मरकज बना सुन्नियों का, अरे हासिदों ये खुदा की अता है, खुदा की अता है, बेशक बेशक। अरे बरेली जो मरकज बना सुन्नियों का, अरे हासिदों
تمنا اے مرکز کو تم بھول جا بریلی کی عظمت کبھی گم نہ ہوگی تمنا اے مرکز کو تم بھول جاؤ اور دیکھیے دیکھتے 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 کون سا عرس دیکھ لیا ہم سبحان اللہ 100 سال عرس ہوا اس کے بعد اب یہ 106 سال سبحان اللہ پیش کرتا ہوں نہ سو پانچ سو سال پر یہ رکے گا حشر تک ان کا ڈنکا بجے گا نئی حشر تک ان کا ڈنکا بجے گا اسی بات پر سنیو جھوم جا بریلی کی عظمت یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک فرمائش ہے وہ فرمائش سماعت کر لیں بہت پرانا کلام اور بہت مقبول ہے مشہور ہے اسی کی فرمائش کے ہے میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ سب پڑھیں گے ساتھ میں سنیے اور ان شعروں کے ساتھ پیش کرتا ہوں سماعت کریں اسی کو ہی کہیں گے ہم رضا کا یہ غلام ہے اسی کو ہی کہیں گے ہم رضا کا یہ غلام ہے کہے جو فوٹو ویڈیو حرام تھا حرام ہے جو سنیت کی جان ہے جو قوم کا امام ہے جو سنیت کی جان ہے جو قوم کا امام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 نبی کا جو غلام ہے دلوں کا جو قرار ہے نبی کا جو غلام ہے دلوں کا جو قرار ہے اسی کے دم سے سنیت میں آج بھی بہار ہے کتاب جس کی لاجواب کتاب جس کی لاجواب ہے نعت جس کی لاجواب ہمارا جو امام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 شیر سنیے توجہ شیر سنیے کوئی سوال آپ سے جو پوچھ لے سنو میاں کوئی سوال آپ سے جو پوچھ لے سنو میاں عقیدہ آپ کا ہے کیا اور آپ رہتے ہیں کہاں کہو گے آپ بس یہی کہو گے آپ بس یہی میں سنی ہوں بریلوی کہو گے آپ بس یہی میں کہو گے آپ بس یہی میں سننی ہوں بریلوی یہاں بھی جس سے کام ہے رضا اس
قاتلوں کی عمر بھر کمر کو توڑتا رہا رگوں میں جس کی مصطفیٰ کا عشق توڑتا رہا جو قاتلوں کی عمر بھر کمر کو توڑتا رہا رگوں میں جس کی مصطفیٰ کا عشق توڑتا رہا وہابیوں کا رد کیا فتاوی رضویہ دیا وہابیوں کا رد کیا فتاوی رضویہ دیا جو حاجت تمام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا رضا لقب ہے جس کا ازہری لقب ہے جس کا ازہری زمانے میں جو چھا گیا لقب ہے جس کا ازہری وہاں بھی بولے بھاگ لو رضا کا شیر آ گیا لقب ہے جس کا ازہری زمانے جس طرف چلا گیا یہ جس طرف چلا گیا علاقہ اس کا ہو گیا یہ جس طرف چلا گیا علاقہ اس کا ہو گیا یہ جس کا فیض عام ہے رضا 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 میرے رضا میرے رضا پوری مچل کر سبحان اللہ کوئی کٹے کوئی مرے کوئی جلے کوئی بھن نہ تم رکو نہ ہم رکے نہ یہ رکے نہ وہ رکے لگاؤ نعرہ جھوم کے لگاؤ نعرہ جھوم کے لبوں کو اپنے چوم کے لگاؤ نعرہ جھوم کے لبوں کو اپنے چوم کے وہ عشق کا امام ہے رضا کا نام ہے رضا 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 بہت اچھا زندہ باد ہلو ہلو رضا 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 میرے رضا میرے رضا رضا سے چلنے والوں تم کو اتنی بھی خبر نہیں سبحان اللہ رضا سے جلنے والوں تم کو اتنی بھی خبر نہیں رضا کا جو غلام ہے اسے کسی کا ڈر نہیں کیوں کرم ہے اہل بیت کا کرم ہے اہل بیت کا ہے فیض غوث پاک کا کرم ہے اہل بیت کا ہے فیض غوث پاک کا جو طاقت غلام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 سبوں سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرا احمد رضا کی شمع پر روزا ہے آج بھی رضا سے جلنے والوں کے دیے نعیم بجھ گئے رضا سے جلنے والوں کے دیے نعیم بجھ گئے کیوں مسلک رضا سے اور سلام سے
ऐसा एक सलाम ये ऐसा एक सलाम है जमाने में जो आम है ये ऐसा एक सलाम है जमाने में जो आम है कि जिसका ये सलाम है रजा 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 के बाद मुस्तफा रजा हमें आता जिन्होंने हर मुरीद को मिलाया वास्ते पाक से अब ऐसा पीर है कहाँ अब ऐसा पीर है कहाँ थे जैसे अजहरी मियाँ अब ऐसा पीर है कहाँ थे जैसे अजहरी मियाँ दिया हमें इनाम है रजा सिर्फ एक शेर पढ़ता मैं अपनी जगह लेता हूं हमारे रफीक भाई भी आ गए और हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं तकरीर आप समाप्त करेंगे और इंशाल्लाह इसमें मेरे साथ शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह रफीक भाई मैं पेश करता हूं बंद समाप्त करें बोलिए सुभान अल्लाह कि फितनों की आग तेज थी फितनों की आग तेज थी उसको बुझा गए फितनों की आग तेज थी उसको बुझा गए गुस्ताखे मुस्तफा को ठिकाने लगा गए गुस्ताखे मुस्तफा को ठिकाने लगा गए हकों बातिल का फर्क वो हमको बता गए हकों बातिल का फर्क वो हमको बता गए आका मदीने वाले से हमको मिला गए मेरे आला हजरत 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 मुझे नजदी से क्या खतरा रजा का नाम काफी है मुझे नजदी से क्या खतरा रजा सभी एक आवाज बोलेंगे इंशाल्लाह मुझे नजदी क्या खतरा वहां भी भाग जाएगा रजा का नाम काफी है वहां भी भाग जाएगा अगर पहचान करनी हो तुम्हें अपने पराए की अगर पहचान करनी हो तुम्हें अपने पराए की तो उसके सामने लेना रजा का नाम काफी है मेरे आला हजरत सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये थे शायर इस्लाम नईम रजा तहसीनी जो आप सब जिनकी आवाज और अंदाज से मचल रहे थे हमारे और आपके सामने खतीब बावकार शहजादे सैफ रजा हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मार रजा साहिब किबला मेरे उस्ताद मौजूद हैं और मद्दाहे खैरुल अनाम शायर इस्लाम जनाब बुलबुले रजा रफीक रजा मुंबई और दिगर उलमा शोरा जहां मौजूद हैं थोड़ी ही देर में खतीब बावकार हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला मदर्रिस मरकजुल दरासात इस्लामिया जामियतुर रजा भी तशरीफ लाने वाले हैं और साथ ही साथ मुनाज़िर अहले सुन्नत शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला मिसबाही भी तशरीफ लाने वाले हैं अदब एहतराम के साथ बैठे थोड़ी ही देर में
بڑے بڑے علماء خطبہ شورا موجود ہوں گے وہی حضور سیف رضا مناظر اہل سنت قاطع نجدیت و وہابیت شیر حشمتیت حضرت علامہ مفتی عبد المصطفیٰ ردولی صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں. آئیے اب نظم سے نثر کی طرف چلتے ہیں اور چند منٹ کی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ بریلی شریف کو پیش کرتے ہیں. آئیے زندہ دلی کا ثبوت دیں, سارا مجمع ہمارا ساتھ دے اور ایک مرتبہ زوردار نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عرص اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ, فیضان حجت الاسلام مفتی اعظم تاج الشریعہ. مائک پر حضرت مولانا زاہد رضا صاحب قبلہ بریلی شریف. وبکر المعزب الاحترام سامین و حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ان اولياءه الا المتقون, صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. انتهائي ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کریں اور باواز بلند درود پاک پڑھیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد الوارث وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ. درود پاک پڑھیں اللهم صل علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد الوارث وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام احباب کو 106واں عرس اعلی حضرت بہت بہت مبارک ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ اس وقت ہم لوگ مرشد برہ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں حاضر ہیں اور انہی کے دربار میں حاضر ہو کر کے سرکار اعلی حضرت حضور حجت الاسلام اور سرکاری مفتی اعظم عالم اسلام کے فیوز و برکہ سے مستفیض ہو رہے ہیں. آج کی محفل کا تعلق کیونکہ حضور سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی ذات سے ہے, تھوڑے سے وقت میں میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. سرکار حضرت الاسلام علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی, خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تم ہو. اعلی حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا,
सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का बोले ज़ेबा तुम कहूं तुझे, तेरे तो वस्व ऐब तनाही से है भरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उसी तर्ज़े अमल पर सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने भी अपने नबी की शान में बहुत कुछ कहा, और ये शेर खुदा कहते नहीं बनती जुदा कहते नहीं बनती। जो लोग कहते हैं कि ना अहले सुन्नत ने बरेलवियों ने नबी को खुदा से मिला दिया माज़ल्लाह, उन अक्ल के अंधों को ये पता नहीं कि जो बंदा होता है वो खुदा नहीं होता, जो बंदा होता है वो खुदा नहीं होता। आला हज़रत के शेर पर इस कलाम पर भी कुछ लोगों ने इतराज किए, कम अक्लों ने, और कहा कि आला हज़रत ने कहा कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तो देखो इनको कितना बड़ा करके नबी को इन्होंने पेश कर दिया, ये तो खुदा से मिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने इसी कलाम में और मक्के के अंदर उनको बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा क्या है, और आपने कहा लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा, हम सुन्नियों का अकीदा है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की उर्स की तकरीब में हम लोग शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। कौम हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह, वो सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जिनकी शान आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद में, जब लोगों ने, क्योंकि आज भी कुछ लोग ख्वाब देखते हैं ना कि मरकज सब सरकारी ताजु शरिया अलैहि रहमतु रिज़वान हयात ज़ाहिरी में थे, उसके बाद लोगों ने कुछ लोगों ने ख्वाब देखा था, अंदर के भी और बाहर के लोगों ने भी ख्वाब देखे थे, और सोचा था कि अब ताजु शरिया अलैहि रहमा के बाद में अब कोई नहीं है, उसके बाद में तो हम ही होंगे, और सोचा था कि मरकज शायद बदल लेंगे, लेकिन देखो जिन लोगों ने ख्वाब देखा था ना, आज जमाना देख रहा है कि मेरे ताजु शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ज़ाहिरी तौर पर चले गए, लेकिन उनके जानशीन सरकारे कायदे मिल्लत उनके हमनशीन और उनके जानशीन बनकर के हम गुलामों के अंदर मौजूद हैं, और देखो बरेली कल भी हमारा मरकज था, आज भी है, और इंशाअल्लाह सुबह तक हमारा मरकज रहे। एक बात मैं अर्ज करूंगा इस मौके पर, वक्त ज्यादा नहीं है इसलिए बहुत तेजी के साथ, अपने बच्चों को एक मैं एक चीज आपके सामने अर्ज करूं, ये बताइए आज इस्लाम को मिटाने की हर तरफ कोशिश है, हर तरफ प्लानिंग हो रही है कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए, कैसे इस्लाम को मिटाया जाए। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, और जरा मुझे बता के जाइएगा, मुझे बताओ उर्से आला हजरत में आने वालों और आला हजरत से मोहब्बत और सरकारी का जो शरिया से अकीदत रखने वालों, एक बात मुझे बताओ, वो लोग जो तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन एक प्लान है, इस्लाम और मुसलमानों को कैसे इस जमीन से मिटाया जाए, कैसे मुसलमानों को खत्म किया जाए, रात दिन प्लानिंग की जा रही है कि इस्लाम और मुसलमानों को कैसे मिटाया जाए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने कौन सी प्लानिंग की है अपने आप को बचाने की, कौन सी प्लानिंग की इस्लाम को बचाने की, यार एक बात मुझे बता के जाओ, ये बताओ आपने कौन सी प्लानिंग की है अपनी आने वाली नस्लों के लिए, कौन सी प्लानिंग की है, वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में है उस बच्चे के लिए क्या आपने प्लानिंग की है, यही प्लानिंग की है या अगर आपको बरेली शरीफ से जुड़ के रहो, वरना दो तुम्हारे बच्चों को क्या दे रहे हैं वो भी तुम्हें मालूम है। आज लोग कोई ढोलक लेकर के मैदान में आ गया है, कोई कह रहा है कि ढोल बजाओ, कोई तुम्हारे बच्चों को ढोलकिया बना रहा है, आज तो बड़ी बात तो ये हो गई, आज पीली भी शरीर से एक पीला भूत निकल पड़ा है, वो कहता है कि ढोल बजाओ, ढोल बजाना चाहिए है। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों को जो ढोल देने की बात करता है, तुम्हारे बच्चों को जो गांजा पिलाने की बात करता है, तुम्हारे बच्चों को जो सुल्फा देने की बात करता है, तुम्हारे बच्चों को जो शराब की निगरान लगाने की बात करता है, न वो तुम्हारा हमदर्द हो सकता है, न वो इस्लाम का हमदर्द हो सकता है, न वो दीन का हमदर्द हो सकता है। सुनो, जो इस्लाम से मोहब्बत करता होगा, नबी पाक से मोहब्बत करता होगा, जो इस्लाम से अकीदत रखता होगा और तुम्हारा दर्द रखता होगा, वो तुम्हारे बच्चों के हाथ में ढोल की पैरवी नहीं करेगा, अगर पैरवी करेगा तो इस्लाम की पैरवी करेगा। आई नो
دو اپنے بچوں کے ہاتھ میں حدیث مقدسہ کی کتب دے دو اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بنا دو جو عاشق ہوتا ہے وہ کبھی بہکتا نہیں ہے بلکہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہے انہیں جانا انہیں مارا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حجت الاسلام فیضان مفتی اعظم بستی بستی قریہ قریہ جانشین حضور تاج الشریعہ قائد اہل سنت سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیے جس طریقے سے بچوں کے ماں باپ پر حقوق ہیں بچوں پر ماں باپ کے جس طریقے سے حقوق ہیں اسی طریقے سے ماں باپ کے بچوں پر بھی کچھ حق ہے ان کے بھی حقوق ہیں اور میرے امام نے اس تعلق سے ایک پورا رسالہ لکھا اور اس میں 80 سے زائد حقوق ماں باپ پر ان کے بچوں کے گنائے ہیں جس میں ایک میرے امام ایک جگہ فرماتے ہیں کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو اس میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہونے لگے جب اس میں لکنت پیدا ہونے لگے اس کے سامنے تمہیں کیا کہنا ہے تو میرے امام فرماتے ہیں اس کے سامنے کہو اللہ 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 اس میں جلالت کا ورد کرتے رہو کیوں کرتے رہے کوئی سنی جلالت کا ورد کرتے رہے تو میرے امام کی تربت اتھر سے اگر آپ لو لگاؤ گے اور یہی سوال اپنے امام کی بارگاہ میں عرض کرو گے تو سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد الملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان کی دربار سے یہی ہم غلاموں کو جواب ملتا ہے اے لوگوں کوئی اپنے بچے کو جو ہے وہ دنیا کی باتیں سکھاتا ہے کوئی موبائل دے کر کے دنیا کی چیزیں دکھاتا ہے کوئی ڈھول کی پیروی کر کے وہ ڈھول ہٹانے کی بات کرتا ہے لیکن میرے امام نے فرمایا جب تمہارے بچے کے اندر لکنت پیدا ہو اس میں جلالت کا ورد کرتے رہو تاکہ تمہارے بچے کی زبان سے سب سے پہلے اگر کوئی جملہ نکلے کوئی کلمہ نکلے تو کوئی دنیاوی کلمہ نہ ہو اگر زبان پر آئے تو اللہ کا نام لیتا ہوا تمہارا بچہ بولنا شروع کرے اس طریقے سے اپنے بچوں کو پروان چلاؤ اور آگے فرماتی ہے جب ان میں اور بولنے کی صلاحیت ہو جائے جب وہ اور تھوڑا بولنے لگے تب ان کے پاس میں ان کے سامنے ان کو سکھاؤ ان کو پڑھاؤ ان کو بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے امام فرماتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے کلمہ شریف کا پہلا جز ان کو یاد کرو ان کے سامنے کہو ان کے سامنے پڑھتے رہو تاکہ تمہارے بچے جب تمہارے بچوں کی زبان اور تمہارے بچے جیسے جیسے بولنا شروع کرے ویسے ویسے اللہ کا ذکر بھی کرنا شروع کر دے اور فرمایا جب اور آگے بڑھے جب اور آگے بڑھ جائے جب اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا کلمہ پڑھانا ان کو سکھا یہ تربیت کا ہمیں یہ تربیت کا پیغام یہ ہمیں سرکار اعلی حضرت نے دیا ہے لوگوں اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے بچوں کو موبائل کی قدر مت لگانا اپنے بچوں کو موبائل میں یہ دنیا کی خرافات مت سکھانا موٹو پتلو مت دکھانا بلکہ اپنے بچوں کو نبی کا سچا غلام بنانا اور نبی کا عاشق بنانا اور سنو اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور جانے کی نہیں ضرورت نہیں ہے بلکہ دامن اعلی حضرت کو تھام لو دامن مفتی اعظم کو تھام لو دامن تاج الشریعہ کو تھام لو اس لیے جو اس دربار میں آ جاتا ہے نہ وہ رابضی ہوتا ہے نہ وہ خارجی ہوتا ہے نہ وہ ناظری ہوتا ہے نہ وہ سلح کلی ہوتا ہے اس دربار کا پیغام لے کے وہ میدان میں اترتا ہے اور یہی کسی دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہوتے گانا اسے دل سے جدا کر دے پسر مادر برادر مانو جاؤ ان پر فدا کر دے اس طریقے سے اپنے بچوں کی پیروی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن میں حالانکہ میں سوچ رہا تھا آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں یہ اور سے حضور سرکار حجت الاسلام علیہ رحمۃ و رضوان اچھا بتائیے کتنے لوگوں نے سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمۃ کو دیکھا سر ہاتھ اٹھا کے بتائے ماشاءاللہ ایک بات بڑا ایمانداری سے بتائیے گا جنہوں نے تاج الشریعہ علیہ رحمۃ کو اپنی مادہ کی نگاہوں سے دیکھا بالکل ایمانداری سے کیا ان جیسا کوئی دوسرا دیکھا
यार मुझे तो हैरत हो नकल के अंधों को अंधों पर होती है जो कहते हैं नबी हमारी तरह वो नकल के पकड़ से पैदल बदबख्तों पर मुझे हैरत होती है जो कहते हैं नबी हमारी तरह है। मैंने कहा तू नबी होने का नबी की तरह होने का दावा बाद में करना, हम गुलामों का तुझे चैलेंज है तू नबी की तरह तो बाद में बात करना, तू हमारे ताजु शरिया की तरह ला करके दिखा दे, हमारे ताजु शरिया की तरह ला के दिखा दे। और सुनो सरकारे ताजु शरिया ने रहमत जिनके नबी सरकार हुजरतुल इस्लाम अलैहि रहमतुल रिदवान उनके हुस्न का क्या कहना, सुभान अल्लाह। मैं उनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन से निकल रहा है उन बुजुर्ग से हाजी रईसियां अल्लाह ताला उनकी जन्नत नसीब करे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमान के बड़े करीबी उनके उनके जो है वो खातिमों में हाजी रईसियां सब बताते थे, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, कहते थे कि वो जब सरकारे ताजु शरिया अलैहि रहमान उनसे जब हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का जिक्र करते ना तो सरकारे ताजु शरिया अलैहि रहमान उनसे कहते क्या ये बताओ मैं क्या दादा की तरह लगता हूँ, मैं क्या दादा की तरह लगता हूँ, कोई अगर दूसरा कहता कहता तुम नहीं लगते हो, कहते जब सरकारे ताजु शरिया कहते कहते हाँ तुम कुछ कुछ उनकी तरह लगते हो, तुम कुछ कुछ उनकी तरह लगते हो। यार जरा मुझे बताओ जब ताजु शरिया की तरह कोई इस वक्त नहीं हो सकता तो यार हुज्जतुल इस्लाम की तरह कोई कैसे हो सकता। लाहौर का गालिबन मनाजरा था, उस मनाजरे में बरेली शरीफ से सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत तशरीफ ले गए और वहां पर दो स्टेज लगे गए, एक तरफ वहाबियों का स्टेज है एक तरफ अहले सुन्नत का स्टेज है, उधर से उनके मनाजिर अशरफ अली थानवी को जाना था। बरेली शरीफ से बरेली की क़यादत के लिए सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत वर्दवान तशरीफ ले गए। अब जब मनाजरा वहां पर तय पा गया था सरकार हुज्जतुल इस्लाम और उलमाए अहले सुन्नत वहां पहुंच चुके हैं, वहाबियों को जब पता लगा कि बरेली शरीफ से सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम आए हैं तो लोगों ने जो है वो बहाने बनाना शुरू कर दिए और वहां भी स्टेज पर नहीं आए। आप आराम से थोड़ा सा सुनिए क्योंकि तकरीर की नहीं जाती है, तकरीर के लिए थोड़ा सा माहौल और ज़हन चाहते होता है, थोड़ा सा भाई आराम से तवज्जो है ना, आप मोहब्बत से बोल दीजिए, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। कहते कि स्टेज लगे हैं वहां भी ना आए, अब मजमा बेचैन है, मजमे में ये बात क्योंकि मनाजरा इस पर भी था कि नबी हमारी तरह है माशाल्लाह, ये भी लोगों ने कहा था उनका उनकी तरफ से ये दावा था। अब जब सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतु वर्दवान उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं स्टेज पर, लोग उनकी तकरीर को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, लेकिन इसी अशरा में सरकार हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतु वर्दवान जब पहुंचे हैं स्टेज पर तो जब पूरे मजमे ने सरकार हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे को देखा तो पूरा मजमा नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठा और अपने तो अपने रहे जो ये कहते थे नबी हमारी तरह है, उन्होंने भी जब सरकारे हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देखा तो जिसको अल्लाह ने हिदायत की तौफीक दी कितने नजदीक ईमान करके मुसलमान हो गए और लोगों ने ये बात मांगे तो हर कही अरे लोगों देख लो तुम नबी की तरह की बात करते हो, अरे बरेली के हामिद रजा की तरह नहीं हो सकते तो नबी की तरह कैसे हो गए, और वो कहने पर मजबूर हो गए कदम इंसान वो इंसान रहेंगे। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, जब इनकी तरह नहीं होते तो मेरे नबी की शान तो यही है, मेरे नबी का मकाम तो यही है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मैंने जो कुछ भी अर्ज किया उसमें किसी भी किस्म की कोई लफ्ज़ कोई कोताही बाकी हुई मौला ताला माफ फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त ये किल्लत दामनगीर है, बहुत खुतबा शोरा यहां मौजूद है, मद्दहान मुस्तफा लंबी फहरिस्त है और वक्त बहुत कम है, इसका खास ख्याल रखा जाए। अब मैं बिला ताखीर चंद अशआर के लिए बुलबुले मदीना बाहर से आए हुए मेहमान नोमान साका का कतबी को आपके समातों के हवाले करता हूँ, इनसे चंद अशआर समात फरमाएं।
माइक पर बुलबुले मदीना नौमान रजा कलकत्ता। السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جم جم کے درود پاک دیا پیش کر لیں۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا نبینا شفیعنا محمد المبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سر تا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ مینات پاک کچھ اشعار حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ ذات یکتا مصطفیٰ ذات یکتا ہے، مصطفیٰ ذات یکتا ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے۔ یقین جس کو یگ بنایا ہے، یقین جس کو یگ بنایا آپ ہے، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، رب کی طلعت کو دیکھا جان دے کہ سبحان اللہ۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دے، آپ کی طلعت کو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، رب دل میں نور کی پہلی کرن
आदम जाने हो आप हैं। और मक्के में समाप्त करें मक्का। आपकी खातिर बनाए तो जहां, आपकी जब अपनी खाते जो बनाया है, अपनी खाते जो बनाया आप है। और बरतर आमद गदा बहरे सुवा, बरतर आमद गदा बहरे اب میں بلا تاخیر خطابت کے لیے خطیب باوقار عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ رامپوری کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ حضرت کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے۔ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے ایک کامیاب استاد اور بہت ہی زوردار خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ رامپوری تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ زندہ دلی کا ثبوت دے ذکر کی نیت سے سارا مجمع ہمارا ساتھ دیں اور ایک بار زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور حجت الاسلام مفتی اعظم، بستی بستی، قریا قریا، جانشین حضور داد الشریعہ، قائد اہل سنت، عرس اعلی حضرت، مائک پر حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ رامپوری، اور جہاں تمام علماء خطبہ شورا جہاں موجود ہیں وہیں حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے پرنسپل بنفس نفیس موجود ہیں، اور حضرت کا دیدار کریں، حضرت کی دیدار سے اپنے کو منور و مجلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره صدق الله العظيم۔ رفیقان گرامی، آئیے ہم اور آپ سے مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
दुरूद पाक की डालियां निछावर करें, बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उर्से रज़वी में तशरीफ लाने वाले तमाम ज़ायरीन किराम को बहुत बहुत उर्से रज़वी कादरी बहुत बहुत मुबारक। अजीजान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उसी पर कायम रहे, मुस्तकीम रहे, जमे रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं कि गम ना करो, रंजीदा मत हो, और उन मुस्तकीम रहने वालों को, कायम रहने वालों को ये बशारत दी जाती है कि दुनिया से जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो जन्नत परहेजगारों के लिए तैयार की है, मुत्तकियों के लिए तैयार की है, तो उस जन्नत की बशारत उन मुस्तकीम लोगों को दी गई है। अब आइए इस आयत करीमा की रोशनी में हम देखें कि आज जो कुछ लोगों के जहनों में ये बात आती है कि आखिरकार रात दिन हर लम्हा हर आन हर साहत जब भी देखा जाता है तो मसलके आला हजरत का चर्चा लोग करते रहते हैं और आला हजरत के नाम को अपनी जबान पर लाते रहते हैं, कहीं हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की नाम को अपनी जबान पर लाते रहते हैं, कहीं सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का चर्चा करते रहते हैं, कहीं सरकार ताजुश शरिया का चर्चा करते रहते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं इन लोगों की शान क्या है, इन लोगों का मकाम क्या है, आखिरकार इनकी शोहरत, इनकी मकबूलियत, चाहे आम लोगों के दरमियान हो या खास लोगों के दरमियान हो, ये एक खित्ते की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बात कह ली जाए तो बेजा ना होगा। इनको शोहरत आम्मा और मकबूलियत आम्मा आखिरकार किस वजह से हासिल हुई, अगर गौर किया जाएगा तो आयत करीमा से इसका जवाब हल हो जाएगा। आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया गया, इन्नल्लज़ीन قالوا ربنا الله الى اخر الايه, के बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला है, हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है, फिर उस पर साबित कदम रहे और जमे रहे, तो इससे पता ये चला, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी का मुताला किया जाए, आप पूरी जिंदगी मुस्तकीम रहे और आप मुस्तकीम रहने के साथ साथ हम अवाम अहले सुन्नत को वो अकाइद दिए, वो अकाइद दिए कि जिनको अगर सीने में बसा लिया जाए और उन पर ताहीन हयात कायम रहा जाए तो इंशाल्लाह हमें भी वो बशारत, यानी उस बशारत के हामिल हम भी होंगे जो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन मुस्तकीम बंदों को यानी बशारत अता फरमाई। ज़ियारत का सिलसिला भी बन कर अब शुरू मिल जन्नती कुंतुम तुअदून, सरकार हजरत इन सब को बैठा और जरा देखें सिलसिला बन करे। मिश्कात शरीफ के अंदर एक हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, عن عبد الله بن ابي يوسف الثقفي قال قلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قل لي قولا في الاسلام لا اسال عنه احدا بعدك وفي روايه غيرك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم। हदीस पाक का जरा मुताला किया जाए, देखा जाए, हजरत सुफियान सक़फ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझे इस्लाम की कोई ऐसी बात बता दीजिए, इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात इरशाद फरमा दीजिए कि आपके बाद किसी से पूछने की जरूरत पेश ना आए, और आपके बाद किसी से नहीं पूछूंगा। एक रिवायत के अंदर बादगा की बजाय गैरका है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सफी जरा सुनो, आमंतु बिल्लाह, तुम ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तुम मस्तकीम फिर उसी पर साबित रहो, कायम रहो। अब जरा देखें, गौर करें, संजीदा अंदाज में जरा देखा जाए। अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी ने मिरकातुल मफातीह के अंदर इस हदीस की शरह ये बयान फरमाई है कि इसमें जो इस्तकीम का लफ्ज आया है, मैं अवाम अहले सुन्नत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और बीच में ये बात पैगाम के तौर पर देना चाहता हूँ कि चाहे लाख फितने आए, चाहे लाख तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, क्या फितने अब पैदा नहीं हो रहे हैं? कहीं राफजियों का फितना आ रहा उठ रहा है, कहीं मौलाइयों का फितना उठ रहा है, कहीं वहाबियत का फितना रोज बरोज तरक्की बजाहिर करता नजर आ रहा है, गैर मुकल्लिदियत का फितना यानी बहुत पुराना फितना है, नेचरियत कादियानियत राफिजियत, ये सारे के सारे फितने ये अहले सुन्नत बल जमात के हमेशा ये मुखालफत करते रहे हैं और किसी तरीके से चाहते ये हैं कि इनकी मुखालफत की जाए और इन पर गलबा हासिल किया जाए। मगर जरा देखें, गौर करें और संजीदा अंदाज में ले। अल्लामा मुल्ला अली कारी ने इस हदीस की शरह में ये बयान फरमाया, इसमें जो इस्तकीम का लफ्ज है, जो सीगे अमर है, फिर उसी पर जमे रहो, इसका मतलब सिर्फ एक जहद से इस्तकामत नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी इरशाद फरमाया इसमें कादियात का भी शुमूल किया गया है, इसमें अखलाकियात को भी लिया गया है, इसमें अमलियात को भी लिया गया है। आज जो बहुत सारे लोग मसलके आला हजरत पर चलने वालों के बारे में तरह तरह के एतराज करते रहते हैं और तरह तरह की जबान दराजियां करते रहते हैं कि वो नमाजों से कोसों दूर होते हैं, वो जमातों से कोसों दूर होते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र के साथ कहते हैं हमारे इमाम ने जहाँ एतकादियात का मामला हमें दिया है, कादियात के बारे में हमें जगह जगह हमारे इमाम ने बताया है, वहीं अमलियात के बारे में भी मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं। एक किताब का हवाला पेश करना चाहता हूँ, खुलासे के तौर पर यह पेश करना चाहता हूँ। किसी ने आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सवाल किया, हुजूर अगर नमाज को तर्क कर दिया जाए तो उस तारिक का अंजाम क्या होगा, उस गाफिल का अंजाम क्या होगा? तो आपने फौरन आयत करीमा पढ़कर सुनाई और चौदहवें पारे की आयत करीमा यानी सुनाई, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्ली बाबिन मिनहा मिनहु जुज़ुन मक़सूम, यानी जहन्नम के जो है सात दरवाजे हैं। अब इसके तहत आपने उस साइल को पूरी तफसील बताई, सुनते हो जानते हो कि जहन्नम के सात दरवाजे हैं, इसके तहत बताया गया अल बाबुल अव्वलु जहन्नम, पहला जो दरवाजा है जहन्नम का, यानी पहला जो दरवाजा है उसका नाम जहन्नम है, लिअन्नहु यतजहबु फी वुजूहि रिजाल वन निसाई العظام, यानी आपने ये भी उस सबक में इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है तो उस छोड़ने वाले का अंजाम ये होगा, अगर रब चाहे तो जो सबसे पहला तबका जिसको जहन्नम का नाम दिया जाता है उसके अंदर डाला जाएगा। और उसको ये भी नसीहत थी कि किसी भी हाल में और किसी भी यानी सूरत में कितने भी बीमार हो और कितने भी परेशान से झूंझ रहे हो, कभी भी नमाज को बिल्कुल मत छोड़ना और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर रहना, यही असल कामयाबी है और यही सआदत मंदी है। और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया अल बाबुस्सानी, दूसरा जो दरवाजा है उसका नाम है मतलब लज़ा, इसको 29वें पारे के अंदर भी बयान फरमाया गया, लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमा फऊआ इन्नल انسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين। आपने ये इरशाद फरमाया उस सबक के अंदर और ये नसीहत भी उस इंसान को की कि जो दूसरा तबका है लज़ा, इसका काम क्या होता है, नज़ाअतन लिश्शवा, ये खाल को खींचने वाला तबका होता है। और ये किन लोगों के लिए है, और ये रिवायत के अंदर बयान किया, तदउ यानी तदउ मन अदबरा व तवल्ला अम्मा जाअ बिही मुहम्मद सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम आपने ये भी इरशाद फरमाया, ये तबका उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो जाहिर में तो कहते हैं कौम से कि आओ अल्लाह व रसूल की बातें करेंगे, आओ अल्लाह व रसूल का जिक्र करेंगे, फिर धीरे धीरे वहाबियत का बीज उनके अंदर बोया जाने लगता है और सादा लोग मुसलमानों के ईमान को लूटने की कोशिश की जाती है। और एक दिन ऐसा आता है उस पर पूरा पंजा जमा करके उसे वहाबी बना लिया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान में जो इबारतें उन यानी तवागीत ने लिखी हैं और उसके जहन में वो बिठा दी जाती हैं और वो उनके ग्रुप का हो जाता है। ये जो लजा तबका है जहन्नम का, जो दूसरा तबका है, ऐसे ही लोगों के लिए कयामत के दिन जब उनको डाला जाएगा नज़ाअतन लिश्शवा, उनकी चमड़ी उधेर लेगा, उनकी खाल खींच लेगा और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बुरे अकीदों से हमारी हिफाजत फरमाए। और हम फख्र करते हैं कि हमारे इमाम अहले सुन्नत ने हमारे लिए जो अकीदे बुजुर्गों के दिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम उस पर कायम हैं। और इजमालन ये बयान करना चाहता हूँ शॉर्टकट में, तीसरा तबका बयान किया गया, जरा देखें जायरीन किराम और हम भी अपने अमली मैदान में अपने आप को उतारने की कोशिश करें। बड़े बड़े उलमाए ज़बील एहतराम यहाँ तशरीफ फरमा है, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा अकायद की मजबूती के साथ साथ अमली मैदान में भी आपको और हम सबको उतरना होगा, इसलिए कि तीसरा तबका ये बयान फरमाया गया दो या चार मिनट की बात है और उसके बाद आपको बहुत उम्दा तकरीरें इंशाल्लाह सुनना है और फैज हासिल करना है। तीसरा तबका बयान किया गया सकर है, कुरान करीम में इसको बयान किया गया है कि यानी वमा अदराका मा सकर, ये भी है मा सलककुम फी सकर, पूछा जाएगा उन लोगों से जो जहन्नम में चले गए थे आखिरकार तुमको जहन्नम में क्या चीज ले गई, तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन व कुन्ना नुकज्जिबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन फमा तनफउहुम शफाअतुश शाफिईन, ये पूरा बयान किया गया है। और चौथा तबका जो बयान किया गया अल्लाहू अकबर, उसको हुतमा का नाम दिया गया, युकालु लहल हुतमा, उसको हुतमा का नाम दिया गया और ये भी कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है वैलुल लिकुल्ली हुमजा लुमजा अल्लजी जमा मालन व अददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुमजन फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुकदतुल लती तत्तलिउ अलल अफइदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिन मुमद्ददा। इसका काम ये होगा कि जो बदअकीदा लोग होते हैं, जो राफजियत ज़दा होते हैं, अगर इसी हालत पर वो दुनिया से चले गए, जो नीम मौलाई या मौलाई होते हैं, जो गुस्ताखाने सहाबा होते हैं और जो गुस्ताखाने अंबिया, अगर इसी हालत पर उनका खात्मा हुआ बाल्फाज़े दीगर अल अयाज़ु बिल्लाह, अगर कोई कुफर पर भी चला गया या गुमराह होकर के भी दुनिया से चला गया तो किताबों के अंदर बयान किया गया है यहतमिलु, हो सकता है कि उन गुमराहों को, हो सकता है उन लोगों को जहन्नम के इस तबके राबिया के अंदर डाला जाए जिसका नाम हुतमा कहा गया है, जिसको जिसका नाम हुतमा है। और इसका काम क्या होगा, तहतिमु बाज़ुहा बाज़, यानी इसका एक हिस्सा दूसरे को खाता है वह तुहरिकुल अफ़ीदा, डाले जाने वाले इंसान के दिलों को जलाएगी इसकी आग और बहुत लंबे लंबे शरारे यानी आग के जो शोले हैं इससे फूटते नजर आएंगे। और पांचवा तबका सईर बयान किया गया है जिसका माना ही भड़कना यानी भड़कने वाली चीज आता है, इसके अंदर क्या होगा فيه الحيات فيه العقارب والسلاسل والقيود والاغلال, इसके अंदर तरह तरह के सांप होंगे इस यानी तबके राबिया के खामिसा के अंदर, इसके अंदर सांप होंगे, इसके अंदर बेड़ियां हैं, इसके अंदर तौक हैं, ये उन लोगों के गले में डाले जाएंगे कि जो दुनिया से कुफर की हालत में अल अयाज़ु बिल्लाह यहां से जाते हैं और कुफर पर जिनका खात्मा होता है उन लोगों के लिए जहन्नम का ये तबका है। और इसको सईर इसीलिए कहा जाता है कि जब से इसमें आग जली है कभी भी मतलब ये है कि बुझी नहीं है, जब से ये पैदा किया गया है यानी फीही सलासु मिअति कसरिन, यानी इसमें 300 महल हैं और हर महल में सलासु मिअति बैतिन, यानी हर महल में 300 घर हैं और ऐसे ऐसे कुफारो मुशरिकीन को, ऐसे ऐसे लोगों को इसमें डाला जाएगा। बहरहाल जिसका कुफर जिस एतबार का होगा, जिसकी गुमराही जिस एतबार की होगी, उसी एतबार से इन जहन्नम के तबकात के एतबार से
से उसको उसमें डाला जाएगा। और आखिरी और सातवां जो तबका है वो हाविया जिक्र किया गया है। सूरह अल-क़ारिया उठाकर देखिए, अल-क़ारियतु मल-क़ारिया वमा अदराक मल-क़ारिया यौम यकूनु अन्नासु कल-फराशिल मबसूस वतकूनु अल-जिबालु कल-इहनिल मनफूश फअम्मा मन सक़लत मवाज़ीनु फहुवा फी 'ईशतिर राज़िया वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। ये तबके यानी सबिया और आखिरी तबका वो तबका है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिसका नाम हाविया है और इसके अंदर जुब्बे हुज्न भी है, गम का कुआं है। इसके बारे में बयान फरमाया गया, तस्तईजु मिनहु जहन्नम कुल्ल यौम अतमर्रा। ये वो तबका है हाविया जिसको कहा जा रहा है कि जहन्नम हर दिन इससे 100 मर्तबा पनाह मांगता है, जहन्नम भी इससे डरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें किन लोगों को डाला जाएगा, जुब्बे हुज्न के अंदर किन लोगों को डाला जाएगा। आखिरी बात मैं कहकर रुखसत हो जाना चाहता हूँ, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तबके सबिया हाविया नामी तबके के अंदर उन लोगों को डाला जाएगा जो कुरान करीम तो पढ़ते हैं मगर उनकी नीयत दिखावे की होती है, जो आमाले सालिहा तो करते हैं मगर उनकी नीयत दिखावे की होती है। आज इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जो हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, मेरे इमाम अहले सुन्नत हो या उनकी औलाद में से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो या सरकार मुफ्ती आजम हिंद हो या मेरे मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका हो, इनकी जिंदगी इसी में गुजरी कि जब भी कोई काम किया तो उसमें अपनी शोहरत का यानी मामला नहीं आया, रियाकारी का मामला नहीं आया, बल्कि इनकी तालीम भी यही रही, इनकी तलकीन भी यही रही, जब तक भी काम करे रिजाए मौला के लिए करें, अल्लाह व रसूल की खुशनूदी के लिए काम करें, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी यानी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मैंने जो आपको नसीहत की ये एक पैगाम था और मेरी ये गुजारिश है कि हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं और अपने इमाम की तालीमात पर सख्ती से मजबूती से यानी अमल पैरा रहे, लाख फितने उठें उसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि इमाम ने हमें जो कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसके उससे हम माला माल हो रहे हैं और होते रहेंगे। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माशाल्लाह, खतीब बावकार हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला रामपुरी मदर्रिस मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामतुर रज़ा का पुरजोर खिताब आपने समाअत फरमाया। वक्त बहुत कम है, फिर भी लोगों की ख्वाहिश है और हमारे और आपके माबैन कई उलमा मौजूद हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला प्रिंसिपल मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामतुर रज़ा के हुक्म की तामील करते हुए मुनाज़िरे अहले सुन्नत शेरे रज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला को खिताब के लिए पेश करता हूँ। आइए जिंदा दिली का सबूत दें, सारा मजमा एक मरतबा जोरदार नारा लगाए, नारा तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, फैसाने आला हजरत, उर्से आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुज्जतुल इस्लाम, फैजाने मुफ्ती आसम, हुजूर कायदे अहले सुन्नत, शहजादे ताजे शरीयत, काजीउल कुदात फिल हिंद। माइक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मंसूर। बारगाहे सरकारे ताजे शरीयत में हाजिर आए उलमाए ज़वील एहतिशाम, अरबाब इल्म व दानिश, ज़ायरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु।
الحمد لله الذي خلق السفلى والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں, پڑے خلوص و محبت کے ساتھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وقت تو چکے ہو چکا ہے اور میری طرف سے کوئی ایسا اصرار بھی نہیں ہے. حضرت مولانا شمس صاحب قبلہ نے بتایا کہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب کا حکم ہے اور حکم کی بجاوری ہمارے ہاں ایک بڑی اہمیت اور بہت بڑا معنی رکھتی ہے, اس لیے کچھ دیر میں حاضر آیا ہوں اور اس کو میری گفتگو نہیں بلکہ ہمارے جامعہ کے صدر محترم ہی کی گفتگو سمجھا جائے. بلند آواز سے ایک بار محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ, ایک بار بولے الحمدللہ. آپ نے اپنی بڑی شاندار اور عمدہ گفتگو جس کو سننے کے بعد واقعاتاً طبیعت کے اندر ایک خوف اور خشیت پیدا ہو رہی تھی, حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب قبلہ استاذ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف, جو بہت پرانے خطیب بھی ہیں اور زبردست عالم دین اور درسگاہ کے ماہر ہیں. اللہ تعالی ان کے کلمات مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور اعلی حضرت نے جو کہا تھا وہی ان کی تقریر کا خلاصہ ہے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, یہی بریلی کا مقصد ہے. لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا, اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جب انتقال پرملال ہونے والا تھا اس سے چند دن پہلے آپ کی طبیعت بڑی ناساز, اور آپ جب بھوالی سے آئے تھے اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کی طبیعت کے بارے میں لوگوں کو پتا چلا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ملنے کے لیے چلے آئے. نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی حال یہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے سوانے پڑھیے, حیات پڑھیے, جیونی پڑھیے, ہسٹری آف امام احمد رضا خان کا مطالعہ کریں کہ امام اہل سنت اس نقاہت اور کمزوری کے باوجود بھی آنے والوں کے پاس بیٹھتے اور کوئی محفل آپ کی نصیحت سے خالی نہیں ہوتی, اور جتنے بیٹھتے تھے خوف الہی پر میرے امام کی وہ گفتگو ہوتی کہ خود بھی اعلیٰ حضرت روتے تھے اور بیٹھنے والوں کی ہچکیاں بن جاتی. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے وصایا میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے,
उसको आप कलमे ही की तरह आप समझिएगा, और आपने एक तसलसल और एक सिलसिला और एक चैन आप तक पेश की है। मेरे इमाम ने फरमाया रसूल पाक नूर है खुदा का, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूर है खुदा का, और फरमाया इस नूर से सहाबा इकराम रोशन हुए, और सहाबा से ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबे ताबईन रोशन हुए, तबे ताबईन से अइम्मा मुस्तहिदीन रोशन हुए। मेरे इमाम ने फरमाया अइम्मा मुस्तहिदीन से हम रोशन हुए हैं। फिर आला हजरत कहते हैं ये नूर हमारे पास है, हम कह रहे इस नूर को ले लो, इस नूर को ले लो, इसलिए कि तुम्हें इस नूर की जरूरत है। फिर मेरे इमाम ने यह भी फरमाया ये नूर है क्या, कहा ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का आशिक कह रहा है ये अल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। फरमाया फिर उनके सहाबा की बारगाहों की खिदमत है, उनकी तासीम और तकरीम है, उनका अदब और इकराम है। मेरे इमाम ने अगला जुमला भी इरशाद फरमा दिया, इसलिए कि ईमान सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, ईमान अगर मुस्तफा से और मुस्तफा वालों से मोहब्बत का नाम है तो मुस्तफा के गद्दारों से नफरत का नाम भी इस्लाम है, और यही ईमान है जिसको कुरान ने इस तरह बयान किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माहु अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। कहा सुनो सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और जो उनके साथ वाले हैं जिनको सहाबा कहा जाता है, फरमाया वो काफिरों पर सख्त है, आपस में एक दूसरे पर रहमो करम करने वाले हैं। पता चला इस्लाम दो चीजों का नाम है, ईमान दो चीजों का नाम है, सच्चा अकीदा दो चीजों का नाम है, एक तो मुस्तफा से प्यार करना, मुस्तफा वालों से प्यार करना, और दूसरा ये है कि मुस्तफा के दुश्मनों से, मुस्तफा वालों के दुश्मनों से यानी सहाबा के दुश्मनों से, ताबईन के दुश्मनों से, तबे ताबईन के दुश्मनों से, अइम्मा मुस्तहिदीन के दुश्मनों से, हजरत औलिया के दुश्मनों से दुश्मनी करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब एक एक जुमले की वजाहत पर आओ, तफसील लंबी हो जाएगी लेकिन इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। आला हजरत ने कहा मुस्तफा खुदा का नूर है, ये सिर्फ एक जुमला है लेकिन इसकी तफसील में जाएंगे तो आला हजरत का रिसाला आपको मिलेगा सिलातुस्सफा फी नूरिल मुस्तफा, सरकार अलैहिस्सलाम के नूर के बारे में आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है। और नूर की दो किस्में है, एक नूर ज़ाहिरी है, एक नूर बातनी है। सरकार का नूर ज़ाहिरी जमाने ने देखा, अबू बकर सिद्दीक अकबर देखते हैं फिदा हो जाते हैं। सरकार का नूर देख देख कर, सरकार के वजह मुनीर को देख कर, मेरे नबी के हुस्न व जमाल का कमाल ये है, सरकार के नूर ज़ाहिरी का कमाल ये है। सहाबा कहते हैं नबी गुफ्तगू फरमाते, आपके दंदाने मुबारक के बीच में जो हल्की सी खूबसूरत खला थी, उस खला से जो नूर निकलता था उसका अक्स दीवारों पर नजर आया करता था। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो यार, जिसका नूर पा रहे हो उसके जिक्र नूर पर कम से कम अपनी मोहब्बतों का इजहार तो करो। और सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से रब ने खुद इरशाद फरमाया अंता नूरो नूरी व सिर्रु सिर्री व कुनूसु हिदायती व खज़ाइनु मारिफती कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका। आगे फरमाया व जअलतु फिदाअन लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तू मेरा नूर है, तू मेरा नूर है, तो सरकार नूरे ज़ाहिरी भी है और नूरे बातनी का कमाल देखिएगा। फारान की चोटी है, सरकार अलैहिस्सलाम खड़े होकर फरमा रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहो, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा, उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा। सरकार के नूरे बातनी, अखलाक करीमाना, ईमान और अकीदा, अफकार और नजरिया, ये सारी कायनात में आम होते चले जा रहे हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत जो कह रहे हैं कि मेरे मुस्तफा खुदा का नूर है, ये नूर ज़ाहिरी को भी शामिल है, नूर बातनी को भी शामिल है। अब अगला जुमला देखते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के आशिक इमाम अहमद रजा खान ने कहा मुस्तफा करीम के नूर से सहाबा रोशन हुए हैं। हमने कहा यकीनन रोशन हुए हैं, इसीलिए तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं एक दिन मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, आज पूरी दुनिया में देखिए हजरत अमीर मुआविया हो या सहाबा इकराम हो, उनके गुस्ताखों की एक ही बोली है जो अली के मुकाबिल आया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा पकड़ा ही कब है, तुमने तो अली को भी नहीं पकड़ा है, तुमने तो सहाबा
साहब ने लफ्ज़ हाविया का जिक्र किया है, मैं कहता हूँ यह हाविया जहन्नम का एक हिस्सा है और हजरत अमीर माविया के गुस्ताखों के लिए खास तौर से यह बनाया गया है। कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, यह उनकी तकदीर में लिखा है। इसीलिए तो अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने लशीमुर रियाज के अंदर वासी अल्फाज में इरशाद फरमाया, मैं यकून यतालु फी मुआविया फजा का कल्ब मिन किलाबिल हाविया, और इस हाविया को जहन्नम का एक हिस्सा कहा गया, तो तुम्हें जहन्नमी हिस्सा हाविया मुबारक हो, हमें सहाबी के साथ कल कयामत के दिन उठना मुबारक हो। सरकार खुद फरमाते हैं मामिन अहदिन मेरा सहाबी यमू को बिहार दिन इल्ला पैसा कायदन मनूर अल्लाहुम यौमल कयामा, फरमाया सुनो सहाबी जिस जमीन में इंतकाल के बाद दफन होता है कयामत के दिन जब उठेगा इस हाल में उठेगा कि उस खत्ते वालों के लिए नूर भी होगा और लीडर भी होगा। हमें नूर चाहिए तो सहाबा का नूर चाहिए, इसलिए कि हम जानते हैं ये नूर कहीं और से नहीं मिला है, अगर मिला है तो बारगाह मुस्तफा से मिला है। यही तो इमाम अहमद रजा खान तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि मुस्तफा नूर है खुदा का, सहाबा नूर है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। इसीलिए तो सहाबा इकराम के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछा, इख्तलाफ की बोली बोलने वालों उनका आपस में इख्तलाफ हो गया, मैंने कहा ये तुम्हारे घर की जमीन का झगड़ा थोड़ी है जो तुम बकवास कर रहे हो। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सअल्तु रब्बी अल इख्तिलाफी असहाबी बादी, मैंने रब की बारगाह में अपने बाद सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसके बारे में पूछा, और ये रिवायत भी हजरत उमर फारूक आजम की है रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं मैंने अपने रब की बारगाह में पूछा, हे अल्लाह मेरे सहाबा के बाद मेरे बाद मेरे सहाबा में जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या कहना है। अरे यार सरकार अलैहिस्सलाम तो कायनात के जर्रे जर्रे को जानते हैं, इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा होता तो कभी सहाबी के गुस्ताख नहीं होते, इसका मतलब यह है। और आपसे भी कह रहा हूँ आप गौर कीजिएगा आज के दौर में इमाम अहमद रजा खान हक को बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने वाली एक साथ है। अगर नागपुर के बदबाद चीखते रहे लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता, कल भी मेरे हक था आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। हम जज्बात में नहीं बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो वीडियो घरों में बैठ कर बनाने वालों आ तो सही मैदान में, हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। बरेली की फतह में रसिया कल भी रहनुमाई कर रही थी आज भी रहनुमाई कर रही है, और याद रखो ऐसे को तो अशरफिया ने पहले ही बाइकाट कर दिया है। मसीह के आला हजरत पर रहोगे ये पूरी सराहत के साथ आ गया है, मशरक के आला हजरत पर रहोगे तभी तुम्हें मिसबाही लिखने का हक मिलेगा। याद रखो तुम्हारे उस नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। इसलिए क्या इमाम अहमद रजा खान ने कुछ और नहीं कहा, अगर कहा है तो यही कहा है, उल्हे जाना उल्हे जाना नरक का खैर से काम लिल्लाहि الحمد मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर नारे रिसाला फैजाने हजरत अबू बकर सिद्दीक और उस्मान और हैदर फैजाने गौस और ख्वाजा रजा उर्से आला हजरत फैजाने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आलम दादु शरिया बस्ती बस्ती खरिया खरिया वारिसे उलूम में हुजूर दादु शरिया कायदे अहले सुन्ना नारा तकबीर और रिसाला जिंदाबाद के कोनों में बैठ के ये कहा जाता है बरेली अहले बैत का गुस्ताख है। हमें अक्ल के अंधे ये बता तेरे बाप ने ये शेर लिखा है या इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है, तेरी नस्ले पाक में है, किसने लिखा ये इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है। और जब हम आला हजरत के मसलक का दम भरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानते भी हैं और मानते रहेंगे।
इसलिए कि हमने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ा जिन्होंने अपनी किताब इहयाउल मैत के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाया, अथबतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन ली अहले बैती व असहाबी, फरमाया कल कयामत के दिन पुल सिरात से आसानी के साथ वही लोग गुजर पाएंगे जिनके दिल के अंदर सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत टूट कर भरी होगी। इसीलिए तो हमारे इमाम ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। अरे यार तू कह क्या रहा है, कम से कम होशो दिमाग के साथ बोल तो सही, होशो खिलत के नाखून ले तो सही। ये इमाम अहमद रजा खान है, पूरी जिंदगी किताबें भी लिखते गए, कभी मतलाउल कमरैन लिखी, कभी तंसीहुल मकानतिल हैदिया हैदरिया लिखी, कभी कायतुत तहकीक लिखी। अजमत सहाबा पे बोल रहे हैं, अजमत अहले बैत पे बोल रहे हैं, और जब दुनिया से जा रहे हैं तब वसाया में एक पूरा तसलसल बयान कर रहे हैं कि मुस्तफा नूर है खुदा का और सहाबा ने नूर पाया है तो मुस्तफा से पाया है। इसीलिए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने बाद अपने रब से पूछा हे मेरे मौला ये तो बता मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में क्या कहना है। रब कदीम ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी है अल्नाहिया का मुताला कर लिया जाए रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों। इसी तरीके से तथहीरुल जनानी वल निसान अनसल भी मुआविया तबने अबी सुफियान का मुताला कर ले। इसी तरीके से असवाइकुल मुहरिका फिर रद्दी अला अहलिल बिदाई व जंदका का मुताला कर ले। कितनी किताबें हमारे बुजुर्गों ने लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कल भी यही बोली बोलते थे तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, हम कहीं नहीं जाएंगे इन्हीं दरों से जुड़े रहेंगे। सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, रब से मैंने पूछा तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना असहाबका इन्दी बिमंसिलतिन नुजूम बाबहा अक्वा मिन बाद वले कुल्लिन नूर। कहा महबूब तेरे जितने सहाबा है इसमें असहाबका है अहले इल्म बैठे हैं, जब जमा की इजाफत कर दी जाती है तो इजाफत माने इस्तिग़राक और माने इस्तिहाब को पैदा करती है। मतलब यह हुआ जितने सहाबा है सब मेरी बारगाह में फरिश्तों मेरी बारगाह में सितारों की तरह है। अल्लाह फरमा रहा है हदीस कुदसी है इन्ना असहाबका इन्दी बिमंसिलतिन नुजूम बाबहा अक्वा मिन बाद वले कुल्लिन नूर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब तेरे सारे सहाबा मेरी बारगाह में ऐसे ही है जैसे आसमान के सितारे होते हैं। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, कैसे खामोश बैठे हुए हैं। अगला जुमला सुनिएगा, रब ने इरशाद फरमाया बादहा अक्वा मिन बाद, कहा कि उनमें एक का मकाम दूसरे से बड़ा है। कैसे, आप जानते हैं सुरैया सितारे की चमक ज्यादा है और सितारों की चमक कम है। इस तशबीह के जरिए बताया ये है तेरे सहाबा में किसी का मकाम बड़ा है किसी का मकाम उससे कम है। हम भी तो आला हजरत की एतकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आली वल असहाब के मौके की रोशनी में यही कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा अलीुल मुर्तदा करमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान जो फर्क मरातिब है उनको सवा रफ्तार तेज रफ्तार घोड़ों से अगर तय किया जाए तब भी अरसे दराज के बाद भी तय नहीं हो सकते। अब और क्या चाहिए, हम भी तो यही कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था उसमें हक हजरत अली के साथ था और हजरत सैयदना अमीर मुआविया खता इस्तिहादी पर थे, लेकिन ये खता इस्तिहादी कुला नहीं है। जालिमों आज तक तुमने इसको खता खता कहकर सहाबी के लिए तुम्हारे दिल में जो दुश्मनी थी वही बकवास करते रहे और आज भी कर रहे हो, मगर याद रखना जब तक ये आला हजरत के गुलाम जिंदा है तहरीर से तुम्हारी कली खोलेंगे, तकरीर से तुम्हारी कली खोलेंगे, तुम्हारा चीला हराम कर देंगे। इसलिए कि हमारी माओ ने दूध इसीलिए पिलाया है ताकि अजमत सहाबा पे पहना दे, अजमत अहले बैत पे पहना दे। लाइन को जीने देंगे जो नाशबी है, लाल को जीने देंगे जो रापसी है, लाल को जीने देंगे जो खारजी है। हाँ अगर मोहब्बत करेंगे तो सिद्धियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह सलामत रखे, तवज्जो है आपकी। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया मैंने रब से पूछा तो अल्लाह ने कहा इनमें एक दूसरे के बिल मुकाबिल ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर होने का मतलब जिस तरह सितारों में एक दूसरे की रोशनी कम और ज्यादा,
इसी तरीके से इनमें एक का मर्तबा दूसरे से बढ़ा। लेकिन एक जुमले पे गौर करना, देखो बात नहीं, ज़हनो दिमाग को हाजिर करो, ये बरेली ही तो है, वरना उर्सों में तो ढोल बजते हैं। वाह 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 वाह, क्या कह दिया। और कुछ लोगों का उससे भी दिल नहीं भरा तो और मौके पे भी ढोल बजवाने, मगर ये बरेली का मुकद्दस उर्स अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कुछ आरासे मुकद्दसा हैं, जहां जाओ तो लगता है कि ये सुन्नत के मुताबिक काम हो रहा है। बरेली आपके ईमान अकीदे की कल भी हिफाजत करता था। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये भी जुमले होते थे उन महफिलों में, जिसका ईमान पर खात्मा हो जाए, जिसका ईमान पर, ये बार बार आला हजरत तकरार करते थे इस जुमले की, उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। एहसान मानो, इस फितनों के दौर में भी बरेली अपनी फिक्र कम करता है, तुम्हारी फिक्र ज्यादा करता है। सबसे लड़ रहा है, सबसे मुखालफत मोल ले रहा है, सबसे सबसे अपना एक तरीके से जाहिरी तौर पर सबको दुश्मन बना रहा है। लेकिन याद रखना, इस दुश्मनी से हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हमारे इमाम ने हमारी ढारस बनाई और हमें एक जुमला दिया, क्यों कहूं बेकसूर मैं, क्यों कहूं बेकसूर मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और इन बारगाहों से जोड़ के कहा, हमें घबराता क्यों है, कहना दे दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। और फिर कहा, महाराणा मुकद्दसा के बुजुर्गों को देख कर कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकार। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब ने कहा, वले कुल नूर, महबूब तेरे जितने सहाबा हैं सबके पास रोशनी है और नूर है, नूरे हिदायत। मौलाना शमसा, अब अगर आगे चमकने का इरादा नहीं है तो रोशनी सूरज डूब जाएगा, तवज्जो। अब अगर सूरज रात में चमक रहा है तो चांद को चमकने में क्या है, इसलिए कि ये तो उसका वक्त ही चल रहा है। मोहब्बत, कोई इसको इस पे ना समझे, आला हजरत ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, और मैंने एक मजाहिया बात बोल दी, कहीं समझे अपने आप को चांद कह रहा है। हर बेटा अपने बाप और माँ के लिए चांद ही तो होता है। आला हजरत ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, नकाहत, जिस्म में ताकत नहीं, बोले मैं घर से नहीं जाता। ये फतावे रज़विया में एक मकाम पर है कि मैं घर से नहीं निकलता तो लोग समझते हैं कि आप मुतकब्बिर हो गए हैं। कहा मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं नहीं निकलता, तो हर एक के बारे में हुस्ने जन रखना चाहिए जो मोमिन सुन्नी से अकीदा हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक दे। आगे बढ़िए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, रब ने इरशाद फरमाया, वले कुल नूर, हर एक के लिए नूर है। हर सितारा, कोई सितारा ऐसा आज तक देखा हो तो मुझे बताइए जिसमें चमक ना हो। अरे भैया बताओ ना यार, कोई सितारा ऐसा हो जिसमें चमक ना हो, कोई सितारा ऐसा है जिसमें रोशनी ना हो। जाहिर सी बात है, हर सितारा रोशन है। हजरत अल्लामा अम्मार साहब बिल्कुल सही है ना, हर सितारा रोशन है। सितारा होता ही वही है जिसमें चमक और दमक हो। इसी तरीके से आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे जितने सहाबा हैं, क्या मतलब, उन सब के पास नूरे ईमान है। बात समझ गए। अगला जुमला सुनो, सबके पास नूरे ईमान है। सरकार अलैहिस्सलाम से रब ने कहा, फमन अखदा बिशैइम मिम्मा हुम अलैहिम मिन इख्तिलाफिहिम काना इंदी अलल हुदा। रब ने फरमाया, महबूब सुन, तेरे सहाबा में जो भी इख्तिलाफ होगा, उनमें से जो जिसके इख्तिलाफ पर अमल कर लेगा, मेरे नजदीक वो हिदायत पर होगा। अरे बोलो,
अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अनु इरशाद फरमाते हैं, इसीलिए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या कहा, असहाबी कन नुजूम बि अय्यहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया मेरे जितने सहाबा हैं सब सितारों की तरह है, इनमें जिसका दामन थाम लोगे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। इमाम अहमद रजा खान ने पहले कहा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम नूर है खुदा का, और मुस्तफ़ा के नूर से है रोशनी पाई है सहाबा ने, और सहाबा के बाद जिक्र किया ताबेईन का। अब ताबेईन को देखे, सरकार फरमाते हैं ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन रानी और रामन रानी, फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत रही कि वो मेरे देखने वाले सहाबी को छू सके या उसको छू सके। जिसने सहाबी को देख लिया है तो जो नबी को देखता है वो सहाबी होता है, और जिसने सहाबी को देखा है वो ताबेई है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान तवज्जो है, तसलसल देख रहे हैं, सिलसिला क्या है, मुस्तफा करीम फिर सहाबा फिर ताबेईन, जल्दी बोले, उसके बाद मर्तबा आता है तबे ताबेईन, किसका, अच्छा कामयाब कौन सी जमात है, कामयाब जमात किसको कहा जाए। मिश्कात शरीफ की हदीस उठाता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया याती अलल नासी ज़मानु फयगज़ु फीही फ़िआमुन मिनन नास फयकुलूना हल फीकुम मन साहबा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा लोग क्या करेंगे, जिहाद करने जाएंगे, और जिहाद करने जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्या जिहाद करने वाली जमात में कोई सहाबी है, ऊंचा बोलो, क्या कहेंगे, क्या जिहाद करने वालों में कोई सहाबी है, लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहु, तो सहाबी का वजूद ही उनके लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा, इसलिए कि उसने नबी को देखा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया सुम्मयाती अलल्लासी फियाम सुम्मयाती अलल्लासी ज़मानु फयक्सु फीही फियाम मिनल्लाह, फरमाया फिर एक जमाना आएगा जिसके अंदर लोग जिहाद करने निकलेंगे, उसके बाद पूछेंगे हल्फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जिसने मुस्तफ़ा के सहाबा को देखा हो, तो जिसने सहाबा को देखा उसको ताबेई कहा जाता है। सवाल यह होगा क्या तुम्हारे अंदर कोई ताबेई है, वो कहेंगे हाँ हाँ, तो जवाब दिया जाएगा। सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहु, उनको कामयाबी मिल जाएगी। उसके बाद फिर एक लफ्ज आया सुम्मयाती अलल्लासी ज़मान फयक्सु फीही फयक्सु फीही नासु फयक्सु फीही फ़िआमु मिनन्नास, फिर लोग जिहाद करने निकलेंगे, फिर पूछेंगे हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह मन साहबा मन फीक हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो पूछेंगे ये बताओ तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो ताबेई नहीं तबे ताबेई हो, अब पहली जमात क्या है। सरकार ने कहा पहले पूछा जाएगा सहाबा है कामयाबी मिलेगी, पूछा जाएगा ताबेई है कामयाबी मिल जाएगी, फिर पूछेंगे तबे ताबेई है फयुफ्तहु लहु, सरकार ने फरमाया उनको भी कामयाबी मिलेगी। हदीस मुकम्मल हो गई, अब उसके आगे कोई जवाब नहीं है। तो बरेली के चाहने वालों मसलक से मोहब्बत करने वालों कहते क्यों नहीं कि हमारे पास सहाबा भी है, हमारे पास ताबेई भी है, हमारे पास तबे ताबेई भी है, हमारे पास अइमा मुस्तहिदीन भी है, हमारे पास इमाम अहमद रजा खान जैसी जात भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार ने तीन जमातों की कामयाबी का तस्करा किया, सहाबा ताबेई तबे ताबेई। याद रखना हम ना वहाबी है कि जो ताबेई इमाम आजम जैसी जात का इनकार करे, और ना हम राफिजी है कि सहाबा से नफरत करे, और ना हम बाद वाले कुमराबद्दीन है कि जो तबे ताबेई के अकवाल
कुरान को दलील न माने। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत सच्चे बरेलवी हैं, जिनका कहना यह है तेरे गुलाम का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या पहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। जी माशाल्लाह सुभानअल्लाह, ये थे शेर रजा मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब कुबला मिसबाही मदरिस मरकज दरासात इस्लामिया जामतु रजा, जिनका पुरजोर खिताब आप समाअत फरमा रहे थे। अब मैं बाहर से आए हुए मेहमान बुलबुल बागे रजा मद्दाह खैरुल अनाम शायर इस्लाम हजरत रफीक रजा मुंबई को आपके समातों के हवाले करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी मुर्शिद मुर्शिद मुर्शिद, अब वो आ रहे हैं, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इनसे पढ़वाएं। माइक पर रफीक रजा मुंबई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहिक या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिस ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बना कर दे। बाबा से बोले सल्लल्लाहु अलैहि या मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर दारुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला मुंतज़िल्लहु नूरानी ने बड़ी इल्मी और ईमानी तकरीर फरमाई। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। सहाबा इकराम के हवाले से उन्होंने हमें एक पैगाम दिया। मैं चाहता हूँ कि अशआर के जरिए मैं भी आप हजरात मिलकर चार यारों का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। आपको बस इतना पढ़ना है सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर, सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर, सिद्दीक़ो हैदर, सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मानो हैदर, है इंतेखाबे खुदा ओ पैगंबर। सिद्दीक़ो फारूक़ो ऐसे खामोशी से जरा आवाज निकाल कर, है इंतेखाबे खुदा ओ पैगंबर। सिद्दीक़ो
عثمان و حیدر ترتیب سے ہے ترتیب سے ہے صحابہ میں برتر صدیق و فاروق عثمان و حیدر صدیق و فاروق عثمان و حیدر ہے کون شان صداقت عدالت شان صداقت عدالت اور کون شان سخاوت شجاعت ہے کون شان صداقت عدالت اور کون شان سخاوت شجاعت سنتے ہی یہ نام سنتے ہی یہ نام آیا زبانے صدیق و فاروق صدیق و فاروق عثمان و حیدر صدیق و حضرات علماء اکرام کی دعاؤں کے ساتھ تو ان کے داماد ہیں تو خسر ہیں تو ان کے داماد ہیں تو خسر ہیں چاروں ہی سرکار کے معتبر ہیں کے داماد ہیں تو خسر ہیں چاروں ہی سرکار کے معتبر ہیں اب مل کر پڑھئے گا کیا شان ہے ان کی اللہ ہو اکبر صدیق و فاروق حیدر کیا شان ہے ان کی اللہ ہو اکبر صدیق و فاروق عثمان و حیدر اپنوں کی خاطر یہ حضرت نے جو آیت کی تشریح بیان فرمائی اپنوں کی خاطر وہ شیر و شکر ہے اور اعداء دین پہ وہ رب کا قہر ہے اپنوں کی خاطر وہ شیر و شکر ہے اعداء دین پہ وہ رب کا قہر ہے آیت اشدہ کی شاہد ہے اس پر صدیق و فاروق عثمان و حیدر صدیق و فاروق عثمان و حیدر صدیق و فاروق سبحان اللہ اب ہم اہل سنت والجماعت ہیں دل میں یہ چاروں کی الفت رہے گی بلکہ ایسے دل میں یہ چاروں کی الفت بسی ہے دل میں یہ چاروں کی الفت بسی ہے دل میں چاروں کی الفت بسی ہے نعرہ فیضی ہم رہنا خارجی ہے دل میں یہ چاروں کی الفت بسی ہے دل میں یہ چاروں کی الفت بسی ہے نعرہ فیضی ہم رہنا خارجی ہے اہل سنن ہمارا مقدر صدیق و فاروق عثمان و حیدر صدیق و فاروق زندہ باد اب آپ کی بھاری رہے اب آپ کی اور ہم تمام کی جو ہے نمائندگی کرتا ہوا یہ شعر ہے سبحان اللہ سماعت کریں سبحان اللہ کہ بابا سے بلند محشر میں اپنے ہیں وارے نیارے ذرا ہاتھ اٹھاؤ صحابہ والے اہل بیت والے ذرا بابا سے بلند کریں سبحان اللہ محشر میں اپنے ہیں وارے نیارے اور گستاخ دیکھیں گے منظر یہ سارے محشر میں اپنے ہیں وارے نیارے گستاخ دیکھیں گے منظر یہ سارے کون سا منظر ہم کو پلائیں گے
हमको पिलाएंगे जब जामे कौसर सिद्दी को बारों को उस्मानो हैदर हमको पिलाएंगे जब जामे कौसर कुफारों को उस फैसले हजरत अबू बकर उमर फैसले हजरत अबू बकर उमर उस्मान फैसले चार यार जिंदाबाद फैसले सहाबा जिंदाबाद फैसले अहले बैत जिंदाबाद। आखिरी शेर मक्के का है, सुन ले आप हजरत मोहब्बत के साथ। तू है जहीर उनका अतना सके दे उनका अदना सगे दे पाया है तूने ये कैसा मौका दे तू है जहीर उनका अदना सगे दे पाया है तूने ये कैसा मौका दे है तेरे आका है तेरे आका ओ हामियो यावर सिद्दीको बारों को उस्मानो है सिद्दीको फारों को हैदर सिद्दीको फारों को उस्मानो हैदर सिद्दीको फारों को उस्मानो हैदर। दुरूद पाक पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन बारी वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमारे मौलाना शम्स साहब क़िबला बड़ा अच्छा मुकद्दर इन्होंने पाया कि सुबह शाम हजरत की बारगाह में रहते हैं, है ना। कई लोग इनको दुआ करने के लिए कहते हैं कि हजरत की बारगाह के बड़े करीबी हैं। मैं फरमाइश के तौर पर ये कलाम पढ़ रहा हूँ, आप हजरत शरीक होना चाहें तो सुभान अल्लाह। मैंने वा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचा दे सगलाई मैंने वा मेरा मुर्शिद 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 ऊंचा ऊंचा दे सगलाई सदके जवा होना ऊंचा तो छड़ने भी आना ले भाई मेरा मुर्शिद सोना 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 माली दगम पानी देना फल कच्चे होया पक्के माली दगम पानी देना फल कच्चे होया पक्के पीर मुरीद दद सिर ते रहंदा झूठे होया सच्चे मेरा मुर्शिद सोना मेरा मुर्शिद सोना मेरा मुर्शिद सोना मेरा मुर्शिद सोना पीर ही मेरा सच्चा रहबर पीर ही राह दिखाए पीर ही मेरा सच्चा रहबर दिखाए पीर ही मेरा हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाए मेरा मुर्शिद सोना मेरा मुर्शिद सोना अताए कि पीरिया तुम और फजले मुस्तफा तुम वो अबू बकर उमर उस्मानो हैदर की जिया तुम वो हुजूरे कायदे मिल्लत बताओ क्या के क्या तुम वो शहे अख्तर रजा खा का चमकता आईना तुम वो और जला कर सोजिशे इश्के नबी में मेरे अख्तर ने रखा असजद तुम्हारा नाम के सोना खरा तुम हो कायद मिल्ल सोड़ा कायद मिल्ल सोड़ा सोड़ा असजद सोड़ा मेरा असजद सोड़ा कायद मिल्ल सोड़ा। और जब तक बिगाना था जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया ताज शरिया सोड़ा ताज शरिया सोड़ा मेरा मुर्शिद सोड़ा मेरा अख्तर सोड़ा मेरा मुर्शिद सोड़ा मुफ्ती आजम सोड़ा मुफ्ती आजम सोड़ा वादी रजा की कोहे ही माला रजा का है वादी रजा की कोहे ही माला रजा का है जिस समत देखे वो इलाका रजा का बरेली वाला सोड़ा बरेली वाला सोड़ा बरेली वाला
सोड़ा बरेली वाला सोड़ा आला हजरत सोड़ा साबिर कलियर सोड़ा मखदूम में अशरफ सोड़ा मखदूम में अशरफ सोड़ा तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता क्या पाता तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता तुम देते हो इतना कि संभाला नहीं जाता मेरा ख्वाजा सोड़ा हिंद का राजा सोड़ा चट्टी वाला सोड़ा मेरा ख्वाजा सोड़ा हिंद का राजा सोड़ा पीरों के आप पीर है या गौस अलमद अहले सफा के मीर या गौस अलमद सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो हम कादरी फकीर या गौस अलमद ग्यारहवीं वाला सोड़ा ग्यारहवीं वाला सोड़ा ग्यारहवीं वाला सोड़ा ग्यारहवीं वाला सोड़ा गौसे आजम सोड़ा देखता हूँ कौन कितनी आवाज से कहता है हजरत देखिए माशाल्लाह तशरीफ फरमाए लिटा दिया था कि नहीं लिटा दिया है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सलामत रखे सुभान अल्लाह आवाज निकलेगी देख लो राइट लेफ्ट कोई खामोश तो नहीं है अमीरे मुआविया सोड़ा अमीरे मुआविया सोड़ा अमीरे मुआविया सोड़ा अमीरे मुआविया सोड़ा मौला हुसैन सोड़ा मौला हुसैन सोड़ा मौला हसन सोड़ा मौला हसन सोड़ा कभी दीवार गिरती है कभी दर कांप जाता है कभी दीवार गिरती है जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैब कांप जाता है मौला अली सोड़ा मौला अली सोड़ा शेरे खुदा सोड़ा शेरे खुदा सोड़ा मौला अली सोड़ा नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का ओ मुबारक तुमको सुंदूर जोड़ा नूर का उस्माने गनी सोड़ा उस्माने गनी सोड़ा तर्जमाने नबी हम जबाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम फारूक आजम सोड़ा फारूक आजम सोड़ा साया ए मुस्तफा माया ए इस्तफा इज्जो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम सिद्दीक अकबर सोड़ा सिद्दीक अकबर सोड़ा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जवान सभी तो खुशियां मना रहे हैं बारहवीं वाला सोड़ा मदीने वाला सोड़ा मदीने वाला सोड़ा सुभान अल्लाह हुजूर तारुशरिया ने दो शेर लिखे थे हुजूर तारुशरिया फरमाते उनकी अमान में रहे जिनके करम से मिल गए उनकी चमन के पास हुसाम और हुमाम दो ये दोनों बेखतर रह गए इस्लाम के सिपर रह गए आदाए दीन पर रह गए शमशीर सोड़ा हुसाम सोड़ा हुसाम सोड़ा हुमाम सोड़ा हुमाम सोड़ा मेरा मुर्शिद सोड़ा मेरा मुर्शिद सोड़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमे बज में हम गरीबों के आका पे बे हतुरोद हम फतीरों की सरवत पेला को सलाम उनके मौला के उन पर
करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम गौसे आजम महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कोते से कहे रज़ा मुझसे खिदमत के कोते हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा डाल दी कल्ब में मुस्तफा सैयदी आला हजरत पहला जानशीन रजा शाह अख्तर रजा फख्र अगले सुनन शाह अख्तर रजा है मेरी जिंदगी शाह अख्तर रजा इनका साया सरों पर रहे दाइमा इनका साया साया सरों पर रहे दाइमा इनकी नूरानी सूरत पेला जानशी आपके शाह हसजत रजा उनका साया सरों पर रहे दाइमा कायदे الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق دے پاکر علم خدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی و قاسم اور رضا کے واسطے بہرے معروف و سری معروف دے بے خود سری جندے حق میں کن جنے دے باصفا کے واسطے بہرے شلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور بو سعید سعد عزا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ له رزقاً سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابن صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محی جان فضا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد و ثنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روئے ایمان کو جمال شہ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے خان فقر اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے نور جان نور ایمان نور قبر و حشر دے بل حسین احمد نوری نقا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد محمود اور حماد احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے ہم کو عبد مصطفیٰ کر بہرے شیخ مصطفیٰ مفتی اعظم جناب بیریا کے واسطے سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے بہرے جیلانی میاں لطف و عطائے خاص ہو نور کی سرکار سے حصہ گرا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام
इस्लाम के रखदरक्षा हर घड़ी अपनी रजा के वास्ते या खुदा अस्जद रजा को आलम इस्लाम में रख चमकता हर घड़ी अपनी रजा के वास्ते या खुदा अस्जद रजा को जानशीन अख्तरम रख हमेशा खैर से अहमद रजा के वास्ते सदका इन अया का दे छे ऐन इज इल्म व अमल आफियत हम सब कदा के वास्ते इस बेनवा के वास्ते हर एक सुन्नी कदा के वास्ते اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم کریمہ کارسازا ملکہ بادشاہ بندہ نوازا جو کچھ بھی یہاں ذکر خیر ہوا نعت و منقبت پڑھی گئی واعظ و نصیحت ہوئی اس کے علاوہ قرآن کی مقدس سورتوں کی تلاوت ہوئی سجدہ طیبہ پڑھا گیا مولا اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سبوں کی اپنی بارگاہ میں اس حاضری کو قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے محبوبان بارگاہ کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ بھی ذکر خیر کیا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما اس کے صدقے میں ہم سبوں کے صغائر و کبائر کی بخشش فرما ہم سبوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو کچھ بھی اس کا ثواب تو ہمیں عطا کرے سب سے پہلے حضور نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما سرکار کے توسل سے جملہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہوں میں حدیتاً نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ازواج مطہرات اولاد امجاد اہل بیت اطہار شہداء کاملین ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں حسب مراتب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام سلاسل حقہ سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے جملہ اولیاء کاملین مشائخ عظام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما خصوصیت کے ساتھ پیرے پیراں میرے میراں غوث سمدانی شہباز الہ مکانی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما عطا رسول سلطان الہند ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ حضرت سیدنا شیخ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما خصوصیت کے ساتھ شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ الامام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما آپ کے آبا و اجداد آپ کے شہزادگان نبیرگان مشائخ عظام خلفاء اساتذہ تلامذہ سب کی بارگاہوں میں حسب مراتب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما خصوصیت کے ساتھ حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا خان مفسر اعظم ہند مولانا شاہ ابراہیم رضا خان اور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قذری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم عالم مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہے مولا اس کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو ظالموں کے ظلم سے پریشان ہیں مولا ان کو ظالموں کو ظلم سے نجات یا اللہ یا رحمان یا رحیم حضور قائد ملت قاضی ہندوستان حضرت علامہ مفتی اسجد رضا خان قادری داماں ذکرہ کو صحت و تندرستی عطا فرما ان کے جملہ اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرما تمام طرح کے جسمانی روحانی زمینی آسمانی بلاؤں امراض سے نجات و شفا عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کے سایوں کو دراز سے دراز تر فرما اہل سنت و جماعت پر دراز سے دراز تر فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ خالی دامت تیری بارگاہ میں کشادہ ہے مولا ہم سبوں کی تمام تر جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما بہت ساری دعائیں ہیں مولا لبوں پر نہ آ سکی تو علی بذات الصدور ہے مولا ہماری تمام جائز نیک تمناؤں اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ اور لذت پیدا فرما ہم سبوں کو نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کا عادی بنا ہم
सबों को अपने और अपने प्यारे हबीब के हरम की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सबों को अमाले सालेहा करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से बाज रहने की तौफीक अता फरमा। मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत जिसको पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है, हम सबको उस पर साबित कदम अता फरमा, हम सबों को उस पर इस्तिकामत अता फरमा। जब तक दुनिया में रहे मौला, तेरे और तेरे महबूब की रजा का काम करते रहे, जब दुनिया से रुखसत हो मौला, हम सबों को ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमा, हम सबों को ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब फरमा। नज़ा के वक्त हम सबों को कलमा तैयबा नसीब फरमा, हम सबों को नज़ा के वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमा। जब जब वापसी हो या अल्लाह, लब पर जारी हो हम सबों के कलमा हक, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।